जनपद खीरी थाना संपूर्ण नगर में जमीनी विवाद को लेकर हल्की नोकझोंक व धक्का मुक्की के बाद पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हुई तबीयत खराब, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। निर्वेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना पुत्र राज बहादुर निवासी ग्राम त्रिकोलिया पथुआ थाना संपूर्ण नगर जनपद खीरी, जो पूर्व में दो बार निर्दलीय तथा एक बार सपा से विधायक रह चुके हैं, विपक्षी समीर गुप्ता पुत्र किशन लाल गुप्ता व राधेश्याम गुप्ता पुत्र किशन लाल गुप्ता निवासरीगण मोहल्ला दरगाह पलिया थाना पलिया जनपद खीरी के बीच ग्राम त्रिकोलिया पहुआ में जमीनी विवाद चल रहा था। आज यानी 6 सितंबर 2020 को विपक्षी राधेश्याम गुप्ता अपने अन्य साथियों के साथ उक्त विवादित जमीन को जोतने आए थे, जहां पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र उर्फ मुन्ना अपने समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे, जहां दोनों पक्षों में हल्की नोकझोंक व धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना की तबीयत खराब हो गई, जिसके उपचार हेतु पलिया स्थित डॉक्टर कपूर के यहाँ लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया तथा डॉक्टर द्वारा प्रथम दृष्टिय मृत्यु हार्ट अटैक से होना बताया है। पुलिया द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। गांव पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े, उनको CHC पलिया ले जाया गया, वहां से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिर चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पर जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।